टाइम तक तो स्टीरॉइड लेने पड़ते थे मुझे, जो मेरे पंप बंद हो गए तो इससे बड़ी बात क्या होगी मैम। बहुत लगा के चलो अभी मैं वापस काम कर पा रही हूँ। मेरी अस्थमा की दवाई बंद हो गई है जो मैं बहुत ज्यादा लेती थी। मेरे पंप में 2 दिन में एक एक बोतल खाली कर देती थी। वो मैंने 15 दिन से पंप नहीं लिया, मुझे टेंशन है इतना ज्यादा, मैंने स्टॉक किया हुआ वो सब एक्सपायर हो जाएगा। जोक कर रही हूँ। हेलो, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी अस्थमा में बहुत परेशान थी उससे, और दूसरा मुझे अभी नी पेन में भी काफी रिलीफ है, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे मना किया था, आपने इतना खाना दिया था, मैं कितना खाना, मैं बहुत मोटी हो जाएगी वापस। अभी वो सरप्राइज है कि मेरा वेट कम हो रहा है, जबकि मैं खाली किचन में एक बार जाती हूँ अब तक तो, बस मैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, घर पे भी मेरी वॉकिंग नहीं कर रही हूँ। पानी पे रह के भी 3 दिन रह के देखा मैंने तो भी मेरा 100 ग्राम भी वजन कभी कम नहीं हुआ, जो अभी मैंने काफी, मतलब मैंने 116 से चालू किया था, आज 111.4 हो गया है। मेरी मम्मी बहुत सरप्राइज है कि मैं इतना खाके वजन कम कर रही हूँ। किचन तक मैं बाथरूम तक भी मैं 3 पेन किलर ले रही थी, एकदम हैवी डोज की, 3 डोज, मतलब पहले 2 650 मैंने 3 गोलियां मैं रोज की लेती थी, नहीं अब तो मैं खाना बना रही हूँ, मेरा थोड़ा सा अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे वो भी एक अच्छा बहुत लगा कि चलो अभी मैं वापस काम कर पा रही हूँ, जबकि अभी भी मैं नहीं चलती हूँ, ज्यादा नहीं चल पाती हूँ। डॉक्टर ने मुझे नी रिप्लेसमेंट का भी बोला और स्पाइन सर्जरी का भी बोला है कि आपको दोनों भी करवाना ही पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, लेकिन इतने वेट के साथ नहीं हो पाए ना मैम, अभी तो मुझे बहुत भरोसा है कि होगा, क्योंकि मेरा अस्थमा जो इतने सालों से था जो कभी ठीक नहीं हुआ, मतलब मैं स्टीरॉइड्स पे थी, कितने टाइम तक तो स्टीरॉइड्स लेने पड़ते थे मुझे, जो मेरे पंप बंद हो गए तो इससे बड़ी बात क्या होगी मैम, कि मेरा अस्थमा का पंप भी बंद हो गया, दवाई तो ठीक है। मेरी छोटी सिस्टर जयश्री रहती है वहां पर, तो वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स में, तो वो मेरे को बहुत फोर्स करती थी, 1 साल से मुझे बोल रही थी कि आप करो दीदी, मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे उसके फादर इन लॉ बहुत बीमार थे, मदर इन लॉ को कैंसर था, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, आप करो। इस बार तो उसने कहा कि अगर आप नहीं करते तो मैं पैसे भर देती हूँ आपकी। सबसे ज्यादा खुश तो मेरी बेटी है, वो बोलती मम्मी इतनी एक्टिव कभी नहीं लगी मुझे, इतनी मतलब फ्रेश, इतनी एकदम एक्टिव, इतना कभी भी मम्मी आज तक आपने, अब 10 साल में पहली बार लग रहे हो मुझे, तो वो बहुत खुश है, कंटिन्यूस काम किया, तो उसका नतीजा ही मेरा शरीर खराब हो गया। ये कहूंगी कि भाई मेरा तो सबसे फर्स्ट एंड लास्ट यही बात हमेशा रहेगी, कभी भी आपके शरीर को निग्लेक्ट मत कीजिए, मेरी पोजीशन तक मत आइए, आप अभी से ही काम शुरू कर दीजिए, थोड़ी प्रॉब्लम में ही काम शुरू कर दीजिए, ताकि आप मेरी कंडीशन तक नहीं ना आए। मुझे पूरा भरोसा है अगर मैं थोड़ा भी वर्कआउट करती तो मेरा 5-6-7-8 किलो वजन कम हो सकता था, लेकिन अभी दिख रहा है कि इंचेस भी लॉस हो रहे हैं, मतलब आप मेरे को पहले इंचेस लॉस नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी आज 2 दिन से लग रहा है कि मेरा, अभी मैं 1 महीने बाद ही घर से बाहर निकलूंगी और लोगों को पता, सामने से लोग मुझे बोलेंगे कि तूने क्या किया है, मैं चल नहीं पाती हूँ, मेरे को 3 साल से काफी तकलीफ है घुटनी में, इसलिए तो 3 साल हो गए मैं घर के बाहर निकली नहीं हूँ, हार्डली 1-2 बार मम्मी के यहाँ या डेंटिस्ट के पास मैं गई हूँ बस, तो लोगों ने मुझे बहुत टाइम से जो घर पे आते हैं कस्टमर वही देखे हैं, उन्होंने ही देखा है, मैं बाहर कहीं नहीं गई, मैं तो कल रो पड़ी थी, मेरा वेट 200 ग्राम, मेरा 200 ग्राम वेट एक साथ कम हुआ तो मेरे आंख में पानी आ गए थे, मैंने 4 बार मशीन पे चेक किया कि कहीं गलत तो नहीं है ना ये मशीन।